नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन उपखंड मुख्यालय पर एक बुजुर्ग अपने पिता और अपनी पुश्तैनी संपत्ति के बंटवारे को लेकर और अपने मालिकाना हक को लेकर बीते कई महीनों से प्रशासन के चक्कर लगा रहा है। महेश कुमार पुत्र मोहन लाल जाति माली, ये युवक मानसिक संतुलन खोता जा रहा है। जानकारी सूत्रों के अनुसार इसके भाई ने इसको संपत्ति नहीं देने और संपत्ति से बेदखल करने के लिए दबाव बनाना शुरू किया और परेशान किया जा रहा है। उक्त युवक पर अनेक मुकदमे भी करवा दिए। बार बार इस युवक को धमकियां दी जा रही हैं और जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। पीड़ित युवक ने मीडिया को बताया कि कई महीनों से उसको परेशान किया जा रहा है। उसके पिता की संतान होने के बावजूद भी पिता की संपत्ति से बेदखल करने का प्रयास किया जा रहा है। जानकारी सूत्रों के अनुसार उसके सगे भाई द्वारा इस पर मुकदमा भी किया गया, जो अभी विचाराधीन है। बीते कई महीनों से उक्त परेशान युवक प्रशासन के हर दरवाजे खटखटा चुका और न्याय की गुहार लगा रहा है। पीड़ित युवक द्वारा उसके भाई धर्मेंद्र कुमार मोहन लाल द्वारा धमकियां दी जा रही हैं और जबरन मकान पर अकेले ही कब्जा और मालिकाना हक जताया जा रहा है, जिससे युवक मानसिक संतुलन खो रहा है और न्याय की गुहार के लिए प्रशासन की दर दर ठोकरे खा रहा है। मामला है भाई साहब? भाई साहब, मेरे बाप, मेरा नाम महेश कुमार मोहन लाल है, जाति माली है, मारवाड़ का निवासी हूँ और मेरे साथ में जो भी हो रहा है, मेरे बाप की प्रॉपर्टी के अंदर बैठा हूँ और मेरी खुद की प्रॉपर्टी है जहाँ बैठा हूँ, जो निजी, जिसमें धर्मेंद्र कुमार मोहनलाल द्वारा और इनके साथी गिरोह द्वारा मेरे साथ में रह के टॉर्चर किया जाता है, जबकि मेरे को 28 लोगों को श्रीमान जी साई दर्शन वाले आए थे, उसने वीडियो मूवी बना के थाने में मेरे ऊपर एक मुकदमा दर्ज करवाया। मैं पाबंद हूँ इस टाइम, उसके बावजूद भी रह के मेरी माँ को 15-10 को यहाँ से ले गए, क्या मालूम कहाँ ले गए, ये लखपति बिगिरा। और उसके बाद अब मेरा भाई आया, मैं यहाँ नहीं था, माप चौक करना और मेरे को घर से बाहर निकालने की स्थिति में, क्यों, मैं, मेरे बाप की 2 औलाद है और 3 बहन है, इस स्थिति में मेरे को घर से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं और ये मेरे जहाँ बैठा हूँ ये मेरा खुद का निजी। तो इस बाबत आपने कोई मुकदमा दर्ज करवाया था? साहब, मैंने मुकदमा जिस टाइम मैं यहाँ खाना बनाने लगा, अड़ोस पड़ोस वालों ने तकलीफ होने के कारण मेरे के साथ में गाड़ी के से मारने की भी कोशिश की, उसके 2 मुकदमे मैंने दर्ज करा रखे हैं थाने में। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती? पुलिस को कहा तो बोले हमने उनको पाबंद कर दिया है और अभी आया धर्मेंद्र कुमार, उनकी लोगों की सिक्योरिटी में आके मैं यानी था और माफ चाप करना और जेसीबी वाला क्या मालूम कौन था, मैं यानी था और मेरे छतरों वाला मकान का माप चौक करके बिकेट के बोले मेरे को मकान बनाना है, जबकि मेरे को नहीं बोला। और अन्य आदमी जो मेरे बाप की जो संपत्ति है, जब तक हमारा बंटवार नहीं हो सकता है, जब तक न किसी को किराया देने दूंगा और न किसी को घुसने दूंगा, इसलिए मुझे मेरी मदद की जाए।